अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे हैं, खैरियत से हैं, खुश रहें, बात रहें, जहाँ भी रहें। तो जनाब, आज मैं आपके लिए मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी लाई हूँ, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी और आप भी इसको बार बार बनाएंगे और खाएंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप भरकर मैदा, और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून अदरक पाउडर। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसको हम साइड पर कर लेते हैं। तो अगला स्टेप है ये। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा अदरक पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। तो इसको भी हमने मिक्स कर लेना है, और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको लिक्विडी सा बनाना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से इसका बैटर होना चाहिए। ये देखें, बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो, इस तरह से इसका बैटर हो। तो चलें जी, इसको भी साइड पे कर लेते हैं। अब आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू। तो आपके पास अगर 3 बड़े साइज़ के हों तो इस रेसिपी के लिए 3 बड़े साइज़ के आलू काफ़ी हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बड़े साइज़ में नहीं थे, ये छोटे छोटे साइज़ में थे। आलू का हमने छिलका उतार लेना है, अच्छे से हमने धो लेना है। तो ये देखें, यहाँ मैं स्लाइसर की मदद से जो है आलूओं की कटिंग कर रही हूँ। आप अगर नाइफ़ से करें तो आपने बहुत ज़्यादा बारीक आलू नहीं रखने, ठीक है? तो ये देखें, इस तरह से ना, मैं एक दिखाती हूँ आपको, इस तरह से इसकी कटिंग होनी चाहिए आलूओं की। ये देखें इस तरह से। तो चलें जी, मैं स्लाइसर की मदद से सारे आलू मैंने जो है काट लिए हैं। अब जो हमने ये वाला मैदा साइड पे किया था, इसमें थोड़ा सा पानी हाथ में डाल के तो मैदे में इस तरह से डालेंगे और इसके बारीक से क्रम्स बना लेंगे। तो पानी जो है थोड़ा थोड़ा बस छींटा ही लगाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने इसके क्रम्स बनाने हैं। तो क्रम्स हमने मोटे मोटे वाले नहीं बनाने बनाने बारीक वाले बनाने हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी हाथ पे लेंगे तो इसमें हम क्रम्स बनाएंगे, ठीक है? ये देखें, कुछ इस तरह से होने चाहिए। ये देखें कितने बारीक हैं। तो चलें जी, अब हमने जो आलू काट के रखे हुए थे पानी में डिप करके, एक आलू उठाएंगे, इस वाले मिक्सचर में हम डिप करेंगे और इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे इसकी, जो हमने बारीक वाले क्रम्स बनाए हैं इसमें कोटिंग करेंगे। दोबारा से फिर से हम जो है इसमें डाल देंगे, डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर क्रम्स लगाएंगे। तो इस तरह से लगा के हम प्लेट में साइड पे रखते जाएंगे। अच्छा जी, आलूओं की कोटिंग आप इस तरह से करके ना, तो आपने फ़ौरन से ही बनाते जाना है साथ साथ, या जितने आपने बनाने हैं उतने ही करके कोटिंग रखें। क्योंकि आप अगर ज़्यादा बना कर रखेंगे तो वो जो आलू हैं वो पता है पानी में डिप हुए होते हैं तो वो पानी छोड़ देते हैं, और इस तरह से इनके जो वो मसाले ऊपर लगे होते हैं वो भी जो है पानी के साथ उतर जाएंगे, ठीक है? तो जितने बनाने हैं आपने उतने ही साथ कोटिंग करते जाएं और बनाते जाएं, ठीक है? ऑयल भी हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, तो मैंने भी इसमें सारे आलू जो हैं जितनों की मैंने कोटिंग की थी तो इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। अच्छा, जब इस तरह से हमने आलू इसमें डालने हैं तो
आपने 2 से 3 मिनट चम्मच नहीं चलाना है इसमें, ठीक है। तो जनाब आप इसको आलू की चिप्स भी कह सकते हैं, आलू के स्नैक्स भी कह सकते हैं, जो कि बनते ही बेहद मज़ेदार हैं। ज़रूर आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और मुझे यकीन है आपने ऐसे पहले बिल्कुल बनाकर नहीं खाए होंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखें, इस तरह से इनको फ्राई करते जाना है। तो जैसे ही अच्छा सा कलर आएगा तो मैं इनको निकाल दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसको निकाल दूँगी। तो चले जी, मज़ेदार से हमारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार हैं। तो ये देखें जी, हमारे जो स्नैक्स हैं मज़ेदार से ये तैयार हो चुके हैं। तो आप भी बनाकर जो है चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, केचप के साथ, मायो के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। और प्यारी प्यारी सी जो बच्चियाँ हैं वो मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, करो, टाइप करो। बाय बाय, लव यू।